जब हम कोई काम करते हैं स्टार्टिंग में हमें एक जुनून होता है करने का, जैसे पढ़ाई से अगर हम पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लें तो कुछ कोई भी कोचिंग जॉइन कर रहे हैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी जब अपनी प्रिपरेशन जैसी चलती है तो थोड़े दिन बाद वो इतना जुनून बचता ही नहीं है, धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। एंड हाँ ऐसा लगता है कि हमारे लिए नहीं, फिर हमारा दिमाग माइंड भी दूर की चीज़ों पर डाइवर्ट होने लगता है, चलो कुछ और करते हैं नहीं ये हमारे लिए क्योंकि बेटा शुरुआत ही गलत करते हो। कोई चीज अभी ठीक लग रही है उसकी तरफ तुम ऊर्जा लगा देते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हो, जो अभी ठीक लग रहा है वो ठीक लगना बंद हो जाता है, उसके नए रूप नए रंग सामने आ जाते हैं। फिर ऊर्जा उसे कैसे दोगे? शुरुआत में ही गलती है ना। हाँ आप तो शुरुआत ही गलत कर रहे हो, लक्ष्य ही गलत बना रहे हो, तो उसकी ओर बहुत ऊर्जा या प्रेरणा के साथ कितनी देर तक बढ़ पाओगे? तो जिन कर्तव्यों का पालन कर करके और ठोकरें खा खा के सीख भी तो मिलती होगी ना, ये सब कर्तव्य तो गड़बड़ है कि नहीं मिलती? बस हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ पक्की सच्ची शाश्वत तो होती नहीं। कुछ अभी ठीक लग रहा है वो बाद में गड़बड़ हो जाएगा, फिर जब एक चीज़ गड़बड़ लगेगी तो दूसरी चीज़ उठेगी, उसकी ओर कुछ समय तक आकर्षित रहोगे उत्साहित रहोगे, कुछ दिनों बाद वो उत्साह भी मंद पड़ जाएगा। तो इसका तो समाधान यही है कि लक्ष्य ऐसा बनाओ जो अपनी चमक कभी ना खोए, लक्ष्य ऐसा बनाओ जो समय के साथ हल्का निस्तेज अनाकर्षक ना हो जाए। लक्ष्य ही तुम धुंधला धुंधला सा भ्रमित सा बनाओगे तो उसके साथ कितने आगे तक चल पाओगे? कुछ दिनों का मनोरंजन हो जाएगा बस। पहले मनोरंजन फिर हताशा। बस उसमें जो और ज्यादा अफसोसजनक बात है वो ये है कि एक मनोरंजन खत्म होगा तो तुम्हें दूसरा मिल जाएगा, और मनोरंजनों की कमी नहीं है, विषयों की कमी नहीं है, तो ज़िंदगी इस तरीके से कट जाती है, एक बहाने के बाद दूसरा बहाना। सवाल है, आध्यात्मिकता में केंद्रित रहते हुए अपने जीवन में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे उतारें? जिसके प्रति केंद्रित रहते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आप
अपने केंद्र के मालिक हो जाएंगे। केंद्र का मतलब होता है वो जो अब आपको संचालित कर रहा है, वो जो अब आपको चला रहा है, वो जो अब आपका मालिक हो गया है ना। तो अगर आप सच्चाई को केंद्र में रख रहे हैं तो आपके हर निर्णय को, हर काम को कौन निर्धारित करेगा? केंद्र। सच्चाई निर्धारित करेगी ना, तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को भी सच्चाई निर्धारित कर देगी। अब आपको क्यों परेशान होना है? मालिक बता देगा कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप करो, कैसे करो, कैसे ना करो। गुलाम हो जाने का बड़ा फायदा है ना, मालिक बता देता है। फिर जो ये कह दे कि मुझे सच को समर्पित होना है, उसके लिए तो ये सवाल ही व्यर्थ है कि आगे के मेरे निर्णय कैसे होंगे, क्योंकि आगे के निर्णय उसे अब लेने ही नहीं है। आगे के उसके सारे निर्णय कौन लेगा? वो केंद्र लेगा जिसको वो समर्पित हो रहा है। समाज में तो हम उन्हीं लोगों से संसार में डील कर रहे हैं ना जो अभी भी मन के गुलाम हैं। मालिक बताएगा किससे डील करना है, किससे नहीं करना है। आप थोड़ी तय करोगे कि आप किससे रखनी है डीलिंग, किससे तोड़नी है, या आप ही तय करोगे। आप ही तय करोगे तो फिर समर्पण का क्या अर्थ हुआ? आप ही तय करोगे तो फिर तो आप अपने ही केंद्र पे बैठे हो, आप कहीं और केंद्रित हुए ही नहीं हो। बहुत ज्यादा जल्दी डोमिनेट हो जाना, ये ऐसा क्यों होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, अपनी टोटल से दबा लेना। देखिए दो होते हैं जिनके आगे आदमी झुक ही जाता है, एक माया, दूसरा गुरु। झुकने में नहीं बुराई है, सवाल यह है कि किसके सामने झुक रहे हो। अगर लालची होगे तुम तो माया के आगे झुकोगे, क्योंकि माया तुम्हें झुकाती है कोई प्रलोभन दे करके, तो तुम झुक जाओगे। वो कहेगी झुको, तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, तुम झुक जाओगे। और अगर साधक होगे तुम तो गुरु के सामने झुकोगे। झुक जाने में या प्रभावित हो जाने में, डोमिनेट हो जाने में भी अपने आप में कोई बुराई नहीं है। डोमिनेशन के लिए एक शब्द होता है प्रभुत्व, प्रभुत्व, समझ रहे हो ना। तो जब प्रभु भी तुम्हारे ऊपर छाता है तो उसको डोमिनेशन ही कहते हैं। डोमिनेशन, प्रभुत्व, प्रभु भी तुम्हारे ऊपर जब छाएंगे तो वो डोमिनेशन ही है। डोमिनेशन में फिर क्या बुराई है अगर प्रभु छा रहे हैं तुम्हारे ऊपर? लेकिन अगर माया छा रही है तुम्हारे ऊपर तो डोमिनेशन बहुत बुरा है। तो ये देख लो कि किसके सामने झुक रहे हो। माया के सामने अगर झुक रहे होगे तो ये पक्का है कि कुछ ना कुछ लालच है तुम्हारे पास। प्रभु के सामने झुक रहे हो तो फिर सत्य के साधक को तभी झुकोगे वहां पर, वहां लालच के मारे नहीं झुकते। यहां लालच होता भी है तो महालालच होता है। क्या है महालालच? झुकने की बात हो रही है, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी का यहाँ प्रश्न होता है। जैसे हमने से अधिकतर लोग कॉरपोरेशन पे
को होते हैं, मतलब उनके माध्यम से हम अर्निंग अगर ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जहाँ आप मतलब आपको लगता है कि अहंकार है लेकिन आपको झुकना पड़ता है, एक हायरार्की बोल के उसको झुकाया जाता है या सीनियर या एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, सरेंडर्ड एक्शन वहाँ काम करेंगे? देखो अगर कहीं पर तुम फीडबैक की तरह जो हम पे आरोप लगते हैं शर्त पर ही गए हो कि इस नियम के तहत काम करोगे, ये प्रक्रिया रहेगी, उसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा, और उस शर्त को तुम पहले ही स्वीकार कर चुके हो, तब हट तो सकते नहीं, तब तो फिर जो माना है उसका पालन करो। लेकिन ये देख लेना कि उस शर्त को मान करके पा क्या रहे हो और गवा क्या रहे हो। ये कोशिश मत करना कि जो पा रहे हो वो पाते भी रहे और शर्त को भी तोड़ दें। ये भी एक बड़ा लालच होता है कि जो मुझे तनख्वाह मिल रही है वो तो मैं लेता रहूं, लेकिन तनख्वाह के एवज में जो मुझे काम करने हैं या मुझे जिन नियमों का पालन करना है उनका पालन न करूं। तनख्वाह के लिए अगर कुछ शर्तें बंधी हुई हैं तो उनका पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ, ये निर्णय तुम हमेशा करते रहा करो, लगातार करते रहा करो कि तनख्वाह के लिए जो चीज़ तुम दांव पे लगा रहे हो उसकी क्या कीमत है। तनख्वाह तो मिल रही है, ठीक है, सुरक्षा मिल रही है, और पर जो चीज़ दांव पे लगाए दे रहे हो उसकी क्या कीमत है। तो अच्छा, वहाँ पे जो हमारे साथ दिनचर्या में जो घटित हो रहा है उसको हम ऐसे लें कि ये कुछ अगर मुझे बोला भी जा रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा तो इम्पर्सनल है, मतलब पर्सनली पॉइंट आउट नहीं किया गया है। कई बार जैसे मतलब अहंकार है तो अहंकार को चोट लगती है, मुझे ये कहा गया, तो वहाँ पर जो चीज़ें आपके साथ इंसिडेंट होते हैं उनको डिटैच होकर हम देखें क्या। देखिए, अगर आप इम्पर्सनली ये देख सकते हो कि आपके साथ दफ्तर में क्या हो रहा है तो फिर अपनी उसी ताकत का उपयोग करके इम्पर्सनली ये भी देख लो कि तुम्हारे साथ दफ्तर के बाहर क्या हो रहा है। इम्पर्सनल तरीके से देख पाना मतलब डिटैच्ड हो जाना, ये तो बड़ी ऊंची बात है, पर अगर तुम्हारा डिटैचमेंट ऐसा है कि बस बॉस के सामने रहता है कि बॉस ने डांट दिया तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं तो इम्पर्सनल तरीके से डांट झेल रहा हूँ, बॉस डांट रहा है तो तुम क्या कह रहे हो कि अहंकार बुरी बात है, ठीक है, डिटैचमेंट होना चाहिए। और ये सब क्या है, ये तो माया है, खेल है, मुझे कोई डांट थोड़ी रहा है। तो बॉस के सामने तुमने अपने आप को ये बता दिया और घर गए, वहां बीवी ने दो बातें बोल दी, तो तब तुमको ये याद नहीं रहा कि ये तो सब माया है और मुझे इसको इम्पर्सनल तरीके से लेना चाहिए और ये तो खेल है और डिटैचमेंट होना चाहिए। तो फिर तुम्हारा जो बॉस के सामने डिटैचमेंट था वो एक झूठा बहाना था, भाई आपको किसी की डांट बुरी नहीं लग रही, ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बॉस की डांट बुरी नहीं लगती तो फिर बीवी की डांट भी बुरी नहीं लगनी चाहिए। ये ना हो कि सारी आध्यात्मिकता सिर्फ बॉस के सामने आ जाती हो कि बॉस डांटे तो कहो कि ये तो माया है, डांट थोड़ी रहा है मुझे, फिर ये आपकी जो बॉस के सामने वाली आध्यात्मिकता है संभावना है कि लालच मात्र है। कि बॉस ने डांटा तो सह लिया और बाहर निकले और ऑटो वाले पे चढ़ बैठे, अब आध्यात्मिकता कहाँ गई, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सहनशील हो गए हो दफ्तर में तो फिर आप सहनशील ही बने रहो बाजार में भी और घर में भी, तब माने कि भाई आध्यात्मिक हो गए हो इसलिए सहनशील हो।